गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो पिछला पार्ट नंबर 5 था, उसके अंदर हमने बायोसावर्ट का जो नियम है उसकी स्टडी कर ली थी। फिर बायोसावर्ट के नियम और कूलॉम का जो नियम है उसके अंदर हमने समानता और असमानता की स्टडी कर ली थी। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो इस प्रकार से है, कोई विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास है तो उस वृत्ताकार पास के अक्ष पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है तो हेडिंग डालने है आपको धारावाही वर्ताकार पास, या आप बोल सकते हो लूप, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यह आज का हमारा टॉपिक है। तो इस प्रकार से देखो, कोई वर्ताकार धारावाही लूप है अपने पास, उसके अक्ष पर आपको चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। इस प्रकार का ये कोई आपका वर्ताकार धारावाही लूप है जिसमें धारा आई क्या हो रही है, प्रवाहित। तो इसके मध्य बिंदु ओ से अक्ष दूरी पर कोई क्या है, बिंदु P। इस बिंदु P पे आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए आप इस वर्ताकार धारावाही लूप को क्या करोगे, छोटे अल्पांशों में विभाजित करोगे। तो यहाँ पर देखो, एक अल्पांश यहाँ ऊपर ले लेता हूँ मैं DL, और एक अल्पांश क्या करूँगा नीचे ले लूँगा DL। तो इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी, इस अल्पांश से बिंदु P की दूरी में क्या ले लेते हो, स्मॉल r। और जो अपना वर्ताकार धारावाही लूप लिया है आपने, उसकी जो रेडियस है वो आपकी है कैपिटल R। तो इसके कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी अल्पांश DL के कारण, वो आपको देखनी है। इसी प्रकार एक नीचे आपका कोई अल्पांश है DL, समझ गए, तो इसके कारण बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, समझ गए। तो आपका ये वाला जो एंगल है वो आपको क्या रहेगा, अल्फा। ये वाला भी अपना अल्फा, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसके कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इस प्रकार से आएगी आपकी, देखो इसके कारण जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इधर नीचे की ओर, मतलब ये आपका बिंदु P है, तो बिंदु P है अपना, तो इधर P से P1 की ओर या P2 की ओर, इसके कारण इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इधर अपनी वो P1 की ओर है। तो यहाँ देखो, जो आपका एंगल रहेगा ये आपका अल्फा रहेगा, ये आपका एंगल अल्फा रहेगा, और ये वाला जो एंगल है वो आपका है 90। ये वाला आपका 90 है। अब देखो, इसको कंपोनेंटों में आपको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। इधर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा P1 की तरफ, तो वो होगा DB
इधर भी आपका रहेगा डीबी। तो इस डीबी को क्या करना पड़ेगा, आपको घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। तो इधर वाला इसका जो क्षैतिज घटक आएगा डीबी का, तो वो आएगा डीबी कोस अल्फा, और नीचे वाले का आएगा तो ये भी आपका डीबी कोस अल्फा। इधर इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा जिसको आप लंबवत घटक बोलते हो, वो आएगा डीबी साइन अल्फा, और इधर आपका डीबी साइन अल्फा। अब देखो आप यहाँ पर जो आपके लंबवत घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो अपने क्षैतिज घटक हैं एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे भाई, जुड़ जाएंगे। तो अपने परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी भाई, बिंदु अपरकेंद्र ओ से पी की ओर होगी। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आपको ये एक बार इसका डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है नीचे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या के वर्ताकार पास में आई धारा प्रवाहित है, आई धारा प्रवाहित है, इसके केंद्र से केंद्र से इसकी अक्ष पर स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए वर्ताकार पास की परिधि को छोटे छोटे अल्फांसों में विभाजित करते हैं, इस पर एक अल्फांस डीएल
एक अल्फांस डी एल जिसकी बिंदु पी से दूरी स्मॉल आर है। अतः इस अल्पांश के कारण इसे अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सावर्ट के नियम से। तो इस अल्पांश के कारण जो डीएल अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर अपना चुंबकीय क्षेत्र का मान किससे लिखना है, बायो सावर्ट के नियम से। तो कितना आ जाएगा अपना डीबी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और ये आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह आपका कोई समीकरण एक हो गया। अब देखो अपना डी एल अल्फांस, चूँकि जो अल्फांस डी एल है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, इस आर के परपेंडिकुलर आर के रहेगा, तो अपना जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो गया तो अपना साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1, आप सब जानते हो। तो इधर देखो तो अपना समीकरण एक से डी बी इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, ये साइन थीटा तो अपना क्या 1 हो गया, तो अपने पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई और ये आपका आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं समीकरण क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, समझ गए। अब बिंदु पी पर इस डी बी की जो दिशा है वो अल्फांश डी एल और दूरी आर है, इसके तल के लंबवत किधर पी पी वन की ओर होगी। तो इसमें आपको लिखना है नीचे इसमें आपको नीचे लिखना है फिर कि बिंदु पी पर डीबी की दिशा अल्फांस डी एल व दूरी स्मॉल आर के तल के लंबवत पी पी वन की ओर होगी, जो
इसकी अक्ष से अल्फा कोण पर स्थित है। अतः इसके दो समकोणिक घटक डीबी कोस अल्फा से तीज घटक व डीबी साइन अल्फा लंबवत घटक होंगे, अब इसी प्रकार एक अन्य अल्फांश और लोगे और उसके कारण आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो उसकी क्या होगी, P2 की ओर होगी। ये भी आपका क्या है, अल्फा क्षेत्र से क्या अक्ष से क्या है, अल्फा कोण पर स्थित है। तो नीचे लिखोगे कि इसी प्रकार एक अन्य अल्फांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा P2 की ओर होगी, जो इसकी अक्ष से अल्फा कोण पर स्थित है। अतः इसके दो समकोणिक घटक डीबी कोस अल्फा व डीबी साइन अल्फा होंगे। अब देखो अपने लंबवत घटक दिशा में समान, दिशा में विपरीत और परिमाण में क्या होंगे, समान। तो नीचे लिखोगे कि लंबवत घटक डीबी साइन अल्फा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं।
निरस्त हो जाते हैं। वह 37 घटक डीबी कोस अल्फा एक ही दिशा में होने के कारण एक ही दिशा में होने के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश ओपी दिशा प्राप्त होती है। अक्ष के अनुदिश ओपी दिशा प्राप्त होती है। तो अपना जो अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, ठीक है, वो कितना डीबी इक्वल टू डीबी कोस अल्फा। तो एक अल्फांश के कारण अपना इतना आ गया, ठीक है। तो पूरे अपने द्वारायुवर्ताकार लूप के कारण बिंदु पी पर अपनी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी, तो इसका क्या करोगे, समाकलन कर दोगे। तो आप क्या करोगे, डीबी का जब आप समाकलन करोगे तो बी और यह आपका इंटीग्रल डीबी कोस अल्फा। तो यहाँ देखो, आप डीबी का मान आपके पास समीकरण दो में है, तो समीकरण दो से b इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल b की वैल्यू, आप db की वैल्यू रख दो, कितनी है, म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4πr² और ये आपका cos अल्फा। अब cos अल्फा की भी आपको वैल्यू देखनी है, तो नीचे देखना कि चूंकि एक त्रिभुज आ रहा है आपका, त्रिभुज ओ एम पी में डायग्राम में देखना आपको ये त्रिभुज, तो इसमें से आपको क्या निकालना है, कोस अल्फा। तो कोस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा आपका, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। तो अपना कोस अल्फा की जब आप वैल्यू यहाँ रखोगे, तो अपने पास बी इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल अपॉन 4πr² इधर वैल्यू आप रखोगे तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अब यहाँ देखो, बाकी सब कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लेना, डी एल का क्या कर देना, समाकलन कर देना। तो इसको आगे लिखना है बी इक्वल टू म्यू नोट आई और ये आर अपॉन आपका आ जाएगा 4πr², तो ये दोनों गुणा होंगे तो आर क्यूब हो जाएगा अपने पास, और इंटीग्रल डी एल। यहाँ पर चूँकि अपना इंटीग्रल डी एल है, ठीक है, वो किसके बराबर है, अपने वर्ताकार धारावाही लूप है उसकी परिधि के बराबर रहेगा। तो वर्ताकार धारावाही लूप की परिधि है अपनी 2πr। तो इंटीग्रल डी एल की जगह आप क्या रख दोगे, 2πr रख दोगे, तो अपने पास b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट आई और ये आपका r² अपॉन 4πr³ और इसकी जगह आप रख दोगे इनटू 2π और r। अब देखो यहाँ से, सॉरी ये r ही आएगा ऊपर, तो यहाँ देखो आप अपना 2π से 2π कैंसिल आउट, ये आपका r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास b इक्वल टू आ जाएगा
म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन टू और ये आपका आर क्यूब। अब देखो अपना आर क्यूब किसके बराबर है भाई, एक देखो डायग्राम अपना था तो डायग्राम के अंदर अपना ये देख मान लो ये आपका एम है तो ओ पी एम ये आपका एक त्रिभुज है ठीक है, तो यहाँ से आपको आर देखना है तो आर आप पाइथागोरस प्रमेय से लिख दोगे तो आर इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ये आर इक्वल टू आएगा अपने पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू वहाँ रखोगे आप देखो इधर, तो यहाँ आप आर की वैल्यू रखोगे यानी आर आपका है आर इक्वल टू आपके पास है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे नीचे आर की तो म्यू नोट आई और ये आपका कैपिटल आर स्क्वायर और अपॉन टू और ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है और यहाँ क्यूब लगा हुआ तो पावर हो जाएगी 3/2। तो ये आपका क्या आ गया वर्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। यदि आपकी इसमें जो फेरों की संख्या है वो क्या है एन है तो नीचे लिखना यदि पास में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा अपना ये एन से और मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू नोट एन आई और यह आपका आर स्क्वायर अपॉन टू और यह आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर आएगी आपकी 3/2। तो ये अपना क्या जाएगा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा ठीक है। अब इसमें अलग अलग आपको कंडीशन देखनी है, ये वर्ताकार धारावाही लूप पर लूप के अक्ष पर आपका क्या आ गया चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो इसमें मैं जैसे पहली मैं इसके अंदर केस लेता हूँ कि अपनी स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट के अंदर अपनी स्थिति ऐसी है इसमें लगाना है आपको स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति फर्स्ट में आपको दे रखा है कि यदि x इक्वल टू जीरो यदि क्या हो x इक्वल टू जीरो x हो तो अर्थात x इक्वल टू जीरो होने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि x इक्वल टू जीरो है इसका मतलब वर्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर आपको क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र बताना है, अर्थात लिखोगे आप वर्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वर्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आपको देखना है देखो, तो समीकरण अपना चार, तो समीकरण चार से समीकरण चार अक्ष की जगह क्या कर देना है जीरो कर देना है तो अपने पास b इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर और अपॉन आपके पास आ जाएगा टू आर स्क्वायर प्लस ये जीरो और इसकी पावर 3/2। तो यहाँ देखो टू से टू कैंसिल आउट तो वर्ताकार धारावाही जो लूप है उसके केंद्र पर अपना चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा म्यू नोट आई ये आपका आर स्क्वायर और ये आपका टू और ये आपका कितना आ जाएगा आर क्यूब, तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल तो b इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन
2R, यह इसके केंद्र पर क्या आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। अब देखो स्थिति सेकंड, तो सेकंड स्थिति के अंदर देखना है आपको अपनी सेकंड स्थिति आपको दे रखी है कि यदि अक्ष वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो आर, आर से आपका अक्ष बहुत बड़ा है, यदि अक्ष वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो आर हो तो आर स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, नगण्य करना पड़ेगा, हो तो आर स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अब जब आप आर स्क्वायर को नगण्य करोगे तो समीकरण 4 से अपना चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, तो समीकरण 4 से अपना जो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा म्यू नोट आई, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 2। अब अपने आर स्क्वायर को मैंने कहा नेगलेक्ट करना है, तो यह आपका 0 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और यह आपकी पावर 3/2। यहाँ से बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर और अपॉन आपका 2 से 2 कैंसिल तो 2x क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको मैं ऊपर नीचे क्या कर दूँ 2π से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपना b इक्वल टू म्यू नोट आई और ये आपका 2π आर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 4π x क्यूब। अब आपको पता है कि वृत्ताकार धारावाहिक उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो ए रख सकते हो, तो अपने पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा 2 म्यू नोट आई और ये आपका ए अपॉन क्या जाएगा 4π एक्स क्यूब, यह आपका क्या जाएगा इस कंडीशन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं वर्ताकार धारावाही जो पास या जो लूप है उसके अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके अंदर ये दो कंडीशन है वो हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक क्या होता है कंप्लीट होता है। उसके बाद अपना जो टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है इस चीज को आपको समझना है। अब कोई अल्पांश है उस अल्पांश द्वारा आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उस अल्पांश के अदिश गुणनफल के समाकलन को हम क्या बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। कोई भी अल्पांश है उस अल्पांश के कारण कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र आता है, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र और उस अल्पांश का जो अदिश गुणनफल है उसका आपको क्या करना है समाकलन करना है, तो आपका वो क्या कहलाता है रेखा समाकलन कहलाता है। तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे किसी अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र व उस अल्पांश के अदिश गुणनफल के समाकलन
के समाकलन को चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं, अर्थात जो रेखा समाकलन होगा आपका लाइन इंटीग्रल होगा बी सदिश डॉट डी एल सदिश, समझ गए, ये आपका रेखा समाकलन है। अब देखो यदि आपका जो पथ है वो क्या है, बंद हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, परिसंचरण। तो आपका रेखा समाकलन है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा। तो नीचे लिखना, यदि पथ बंद हो तो इसे परिसंचरण कहते हैं। अर्थात जो लाइन इंटीग्रल होगा अपना, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्लोज करना है इसको, इंटीग्रल के ऊपर क्या लगा देना है, गोड़ा, जिसको आप बोलते हो क्लोज इंटीग्रल बी सदिश डॉट डी एल सदिश हो जाएगा। यह आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है। अब चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन आपके समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद अपना जो टॉपिक चलेगा वो है एम्पियर का परिपत्य नियम। एम्पियर का परिपत्य नियम, तो एम्पियर का नियम क्या है वो आपको समझना है। देखो अपना जो एम्पियर का नियम है वो क्या है, तो अपने इस नियम के अकॉर्डिंग किसी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है उस क्षेत्र से गुजरने वाली जो अपनी धाराएं हैं उन धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबक शीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने कहा क्या कहा, भाई चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है वो रेखा समाकलन उस क्षेत्र से गुजरने वाली क्या विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। यही आपका क्या है, एम्पियर का परिपत्य नियम है। तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे कि इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस क्षेत्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग व निर्वात की चुंबकीय शीलता के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात
जो आपका इंटीग्रल बी सदिश डॉट डी एल सदिश है, ये किसके बराबर है, म्यू नोट समीशन आई के बराबर होगा। यही अपना क्या है, एम्पियर का परिपत्य नियम है। अब देखो, जैसे ये कोई अपना बंद पथ है, तो इससे जाने वाली धाराएं, ठीक है, इस प्रकार से धाराएं जा रही हैं इससे, इसमें से ऐसे धाराएं जा रही है, यह आपकी धारा है I1, I2, I3, I4। तो इसमें से गुजरने वाली जो धाराएं हैं, तो चूंकि जो समीशन I है वो किसके बराबर आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस और I4, इस प्रकार से इनका क्या होगा, बीजगणितीय योग। समझ गए आप, यही अपना क्या है, एम्पियर का नियम है, ठीक है। तो एम्पियर का नियम आपके क्या आ गया, समझ में आ गया। आगे आपने इस एम्पियर के नियम पर आधारित कुछ अनुप्रयोग हैं, उन अनुप्रयोगों का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, ठीक है। एक बार आज जो जितना पढ़ाया आपको उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, आज अपना जो टॉपिक था वो था विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास या लूप की अक्ष पर चुंबक के क्षेत्र आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, एक धारावाही लूप लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का। तो इसके अक्ष यानी इसके केंद्र ओ से अक्ष दूरी पर कोई बिंदु पी है, उस बिंदु पी पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप इस धारावाही लूप को छोटे छोटे अल्पांशों में क्या कर लेते हो, विभाजित कर लेते हो। तो इनमें से मैंने क्या कर लिया, एक अल्पांश लिया डीएल। तो इस अल्पांश डीएल जो बिंदु पी से क्या है, इससे जो बिंदु पी है वो आर दूरी पर है, तो यहाँ से आप इसका जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, डी बी, और उसकी डायरेक्शन क्या किधर रहेगी, पी पी वन की तरफ। अब ये अक्ष से क्या है, अल्पा कोण पर है, तो इसको दो घटकों में आप विभाजित कर लोगे, एक तो अपना क्या जाएगा, ये डी बी कोस अल्फा, और जो लंबवत घटक है वो डी बी साइन अल्फा। इसी प्रकार एक दूसरा मैं अल्पांश लेता हूँ डी एल नीचे वाला, तो इसके कारण आपको जो का जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसकी जो दिशा रहेगी वो और आपकी रहेगी पी से पी टू की ओर। अब ये भी अक्ष से क्या है, अल्फा कोण पे है, तो इसको भी दो आप अल्पांशों में क्या करोगे, विभाजित करोगे, एक आपका जो क्षितिज घटक है, सॉरी दो घटकों में विभाजित करोगे, तो एक घटक अपना आएगा वो डी बी कोस अल्फा, और जो लंबवत घटक आएगा वो अपना डी बी साइन अल्फा। अब देखो, ये आपका डी बी साइन अल्फा है, ये परिमाण में समान और दिशा में क्या है, विपरीत। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इनको निरस्त कर दिया जाएगा, जबकि अपने जो क्षितिज घटक हैं वो एक ही दिशा में हैं, इसलिए अपना जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, ओ से पी की ओर होगी। तो अपने एक अल्पांश के कारण अपने जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आपको मैंने बताया, इतना एक अल्पांश के कारण अपना चुंबकीय क्षेत्र डी बी इक्वल टू ये वाला डी बी कोस अल्फा। अब पूरे वर्ताकार पास के कारण जो अपनी है उसके कारण आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रल कर दोगे। फिर समीकरण दो में हमने बायो सावर्ट के नियम से मान रखा था, वो वाली वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। तो और यहाँ पर कोस अल्फा यानी त्रिभुज आपका दे रखा है डायग्राम में ओ एम पी, तो वहाँ से कोस अल्फा आप कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आएगा आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर अपॉन 4πr³। और ये इंटीग्रल डी एल अपने इसकी बराबर है परिधि के बराबर, वृत्ताकार धारावाही लूप की परिधि, तो परिधि है 2πr, तो यहाँ आप क्या रख दोगे, 2πr रख दोगे। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के ऊपर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा वो कितना जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3/2, ठीक है। यदि पास में क्या फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, तो इसको एन से और मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। अब देखो, स्थिति फर्स्ट मैंने कहा अक्स इक्वल टू जीरो, तो अक्स इक्वल टू जीरो का मतलब अपना जो बिंदु पी है वो कहाँ आ गया,
उसके केंद्र पे आ गया तो वृत्ताकार पास के केंद्र पर आपका क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, और वो कितना आएगा अपने पास, बी इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन टू आर, ये इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद आपका अक्ष आर से क्या है, बहुत बड़ा, तो ऐसी कंडीशन में आपको आर स्क्वायर को क्या करना है, नगण्य मानना है। तो जब आप समीकरण चार से करोगे तो अपने पास बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई ए अपॉन फोर पाई अक्स क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से आप वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कर लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो। आगे अपना टॉपिक था अपने चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन मैंने बताया कि भाई किसी अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उस अल्पांश के अदिश गुणनफल का आप क्या करते हो, समाकलन करते हो, उसी को आप क्या बोलते हो, रेखा समाकलन, जिसको मैंने लिखा कि लाइन इंटीग्रल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा समाकलन। तो लाइन इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल बी से दिस डॉट डी एल से दिस, यदि आपका पथ क्या है, बंद है, तो यहाँ पर आपको क्लोज इंटीग्रल का क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो ये अपना क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। इसके बाद आपने पढ़ा एम्पियर का परिपत्य नियम, तो मैंने बताया कि भाई इस नियम के अनुसार कोई भी अपना चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है तो उस क्षेत्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको आप लिखते हो कि इंटीग्रल बी सदिश डोल डी एल सदिश इक्वल टू म्यू नोट समीशन आई, ठीक है। ये अपना एम्पियर का क्या है, नियम है। तो इस प्रकार से अपना आज जो पार्ट नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आज के लिए अपना इतना ही, धन्यवाद।